हालेलुया, स्वागत है आप सबका मी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में वाचा बांधना। जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 3 आयत में लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाक मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने दानियल के हृदय में एक बात डाली, चल दानियल परमेश्वर के सामने एक वाचा की प्रार्थना में जा कि तू 3 सप्ताह तक ना तो कुछ स्वादिष्ट खाना खाएगा, ना कुछ दाक मधु पिएगा और ना अपनी देह पर तेल लगाएगा। एक वाचा को बांधना, जैसे जब रजिस्ट्री करते हैं तो एक वाचा को बांधते हैं कि अब से मकान मेरा है, मैंने आपको पैसे दे दिया है। जिस तरह पवित्र आत्मा ने हन्ना की अगुवाई की थी, तेरे पास कोई बेटा नहीं है, चल आ अब वाचा को बांध कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे तो ये बेटा मैं तेरे भवन में तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा, तुझे बेटा चाहिए, मुझे भविष्यद्वक्ता चाहिए, चल वाचा बांधते हैं। मेरे प्रियो, जब दानियल ने वाचा की प्रार्थना शुरू किया तो दानियल अध्याय 10 उसकी 12 आयत में लिखा है कि एक स्वर्गदूत दानियल के सामने आया। वाचा की प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को घूस देना नहीं है, प्रभु अगर तू मेरा ये काम करेगा तो मैं ये कर दूंगा। वाचा का मतलब है परमेश्वर के साथ नम्रता से हन्ना की तरह जाना और ये बोलना कि अगर तू मुझे ये दे तो मैं इसे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। बाइबल बताती है कि जब दानियल ने पहले दिन प्रार्थना की, उसी दिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया। दानियल अध्याय 10 उसकी 12 आयत में लिखा है कि उस दूत ने कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया था, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई थी और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर आ गया। मेरे प्रियो, दानियल ने जिस दिन सोच लिया था कि मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा और इच्छा पूरी हो, उसी दिन पवित्र आत्मा ने दानियल की अगुवाई की कि मुझे 3 सप्ताह तक परमेश्वर की हजूरी में रहना है और दानियल 3 सप्ताह परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। तब परमेश्वर के द्वारा दानियल को आशीष दे दी गई। इस तरह से योना अध्याय 2 उसकी 2 आयत में लिखा है कि योना ने परमेश्वर से वाचा बांधी थी, लेकिन जब उसने वाचा तोड़ी थी तो वो मछली के पेट में चला गया और 3 दिन रात मछली के पेट में पड़ा रहा। उसने फिर से परमेश्वर से वाचा बांधी कि परमेश्वर मैं उन कामों को करने के लिए तैयार हूँ। तब परमेश्वर ने उसे मछली के मुंह से छुड़ाया। वाचा की प्रार्थना में वो सामर्थ है जो अगर आपको समझ आ जाए तो आप कभी भी अपने जीवन में एक जगह पर नहीं रहोगे, कभी भी दुखी नहीं रहोगे। जब आप प्रार्थना करें अपनी चंगाई के लिए, हो सकता है उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया हो, लेकिन उस शैतान ने जो आपको भरमाना चाहता है उसने उत्तर को पकड़ कर रखा हो। लेकिन अगर आप प्रार्थना से हटेंगे नहीं, आप अड़े और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर सहायता भेजेगा। जिस तरह दानियल के लिए सहायता हुई थी, उसी तरह परमेश्वर आपके लिए भी सहायता को भेजेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक वाचा के साथ कि आप मेरे परिवार में उद्धार को लेकर आए ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। इसीलिए परमेश्वर, आप मुझे इस आशीष के साथ आशीषित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।